खालसा टी वी चैनल न्यू चंडीगढ़ देख रहे दर्शकों का मैं पत्रकार रणजोत सिंह हार्दिक स्वागत करता हाँ। अज असी पहुँचे हाँ पिंड त्यूड़ विखे जिथे कि 14 अगस्त इत्थे इन्हां दे घर ते एक असमानी बिजली डिगण का सानू समाचार प्राप्त होया है। आओ असी उन्हां तों जानण की कोशिश करांगे किहड़े टाइम असमानी बिजली डिगी है इन्हां दे घर ते छत दे उपर, वह भी असी तुहानू दिखावांगे ते उन्हां तों जानण की कोशिश करांगे भी उन्हां दे असमानी बिजली डिगण नाल की नुकसान होया है। अंकल जी सारिआं तों पहलां साडे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी फतेह जी। हाँ जी, तुहाडा नाम की है जी? नरेंद्र सिंह जी। अच्छा, ते किहड़े पिंड दे रहिण वाले हो जी? त्यूड़ पिंड तों जी। ठीक है जी। ये जिहड़ी तुहाडे अज्ज असमानी बिजली तुहाडे परसों डिगी है तो उस बारे सानू जानकारी दिओ दर्शकां नूं। ये जी शामी 6 बजे बारिश पैंदी जी, उस तो बाद बिजली गिरी जी, मतलब इन्ना धमाका होया जी, मतलब बहुत ज़्यादा धमाका, टाइलों उपरों टुट गया जी, दूसरे सड़क पार करके पर गिर गई जी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान। बाकी हेठां बिजली का जो समान है जी वह सड़ गया जी, पखे हो गए जी, अपना टीवी हो गया जी LED, तो इनवेटर, टुल्लू पंप पानी वाला जी, तो जिहड़ी चिमनी है कि रसोई वाली जी उहदा जी, है जी, होर काफ़ी नुकसान होया जी, मतलब बिजली वाला सारा जी। अच्छा, तुहानूं किवें पता लग्गिया भी असमानी बिजली डिग गई है? उह धमाका बहुत होया जी। अच्छा जी। हाँ जी, उपरों दीवार टुट गई, जिथे उपर लेंटर है जी, उत्थों लास्ट तो उपर दीवार काफ़ी टुट गई। अच्छा, किहड़े किहड़े तुहाडे जिहड़े घरेलू उपकरण है सड़ गए, उहदे बारे सानूं जानकारी दिओ विस्तार नाल। उह LED जी, हाँ जी, ते पखे हो गए जी दो, बाकी फ्रिज जी, ते अपना इनवेटर जी, ते जिहड़ी रसोई च धुएं वाला वह लाया हुंदा फंक्शन जा, वह उड़ गया जी, चिमनी। हाँ जी, ते होर मतलब काफ़ी हो गया। ये लगभग तुहाडा किन्ने क दा नुकसान हो गया जी? ये 50-60 हज़ार का होगा जी। 50-60 हज़ार का तो नहीं, वध दा होना, इसनूं घट्टो घट्ट 40-50 हज़ार का आया जी, मतलब कि अंदाजे नाले घट तो घट तुहाडा मेरे हिसाब नाल 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। वह तो थोड़े सामने ही जिहड़ा हैगा जी, मतलब पता ही है उहदा आपणा, मतलब उहदा अंदाजा असीं वैसे गल करें। इस दे बारे तुसीं कोई किसे जदा पिंड दे सरपंच नाल यार कोई प्रशासन नाल भी गलबात करी है? नहीं, सरपंच साहब नूं कहा जी, उन्हां तों एप्लीकेशन लिखी असीं, एप्लीकेशन बना के सरपंच तों स्टैंप लवा के करके असीं SDM साहब दे दफ्तर दे आए जी। अच्छा, एक कदों दित्ती है जी? 15 अगस्त दी जी, अज दे आए जी, कल 15 अगस्त करके। ते जदों तुसीं SDM साहब नूं इस नुकसान बारे जानकारी दित्ती है ते SDM साहब ने इस बारे तुहानूं की कहा? SDM साहब कहिंदे असीं पटवारी तफ्तीश करूगा जी। अच्छा, उह तों बाद असीं जो गवर्नमेंट ओह करूगी जी असीं ओह करांगे। कोई जिहड़ा तुहाडा माली नुकसान है उहदी भरपाई बारे कोई तुहानूं दिलासे दित्ता जां कोई हुण आ के गया कोई अज कोई प्रशासन वल्लों कोई बंदा तुहाडे घर? प्रशासन वल्लों कोई नहीं आया हैगा, हले तक कोई नहीं आया, वैसे अज देख आए जी उह एप्लीकेशन। हाँ जी, ते उह बोलदे पटवारी आऊगा जी। सो जिस तरां हुण ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਿੱਜ LED ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਿੱਜ ਜੀ, LED, ਚਿਮਨੀ ਜੀ, ਪੱਖੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਟਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਰਥ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ।